वेलकम बैक दोस्तों, सोमनाथ फोटोग्राफी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज आप लोगों के लिए मैं लेके आ गया 10 नया PhD टेम्पलेट बर्थडे मॉक का। ठीक है, तो वो किस तरह से मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो कुछ 20 MB के आसपास होगा, जब आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो वो आपका 50 MB के आसपास बन जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या चीज मिलेगा मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए इस तरह से आपका PhD टेम्पलेट देखने में आएगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, देख सकते हैं आप, बहुत ही शानदार है बर्थडे मॉक PhD टेम्पलेट। और भी आपका फादर्स डे, मदर्स डे, ये भी सब आने वाला है, जल्दी आने वाला है, और दिवाली का भी आने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा के बेल आइकन को ऑल करके रखिए। ठीक है, और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मैं इसके अंदर से एक दो टेम्पलेट ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरह से आपको यूज करना है। ये वाला टेम्पलेट है, बहुत सारा टेम्पलेट है, बहुत ही शानदार टेम्पलेट है। तो इसमें से कुछ सिंगल वाला एक टेम्पलेट ही मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाला टेम्पलेट है, इसको मैंने ओपन किया फोटोशॉप के अंदर। तो ये फोटोशॉप के अंदर जब आ जाएगा तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये फुल्ली कस्टमाइज है, सब कुछ आप इसके अंदर से हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपको फ्रेम को सिलेक्ट करना है और शिफ्ट का बटन दबा के रखते हुए इस फ्रेम को सिलेक्ट करना है। तो दो फ्रेम आपका सिलेक्शन हो गया है। और मैं यहाँ पे यूज करूंगा डार्क मैजिक एक्सप्रेस 11 जो वर्सन है, आप लोगों के साथ पता ही होगा। अगर इसका कंप्लीट वीडियो आपको अगर देखना है, इसके अंदर क्या क्या जो फीचर्स है आपको देखने को मिलेगा, ये सारा फीचर्स आपको यहाँ पे देखिए आई बटन शो हो रहा है, इसको क्लिक करके आप इसका कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो टेम्पलेट है ये इसी के अंदर से बनाया गया है, PhD टेम्पलेट मेकर के अंदर से। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दो फोटो फ्रेम सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे ऑटो फिल का जो बटन है इसको क्लिक करेंगे। जब भी क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक एक फोल्डर ओपन होगा, उस फोल्डर से आप फोटो दे सकते हैं। तो किसी भी फोल्डर में आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी फोल्डर में जाना है, इसी पर्टिकुलर हार्ड डिस्क में जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप डेस्कटॉप में भी आपका फोटो है तो उसके अंदर से भी आप जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फोटोज के फोल्डर में मैंने कुछ फोटो डाल के रखा है, तो यहाँ से मैं दो फोटो आपको ओपन करके दिखा देता हूँ किस तरह से आपको यूज करना है। जैसे मान लीजिए ये वाला फोटो और ये वाला फोटो मैं चूज कर लेता हूँ और सिंपली ओके का बटन दबाएंगे और कुछ भी नहीं दबाएंगे। देखिए इसका मैजिक, सो गाइस यहाँ पे फोटो फिल हम लोगों का हो चुका है। और इसके अंदर से आपको अगर कुछ मॉडिफाई करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसका कलर वगैरह सब कुछ ठीक ठाक करना है तो इसको भी आप कर सकते हैं इजीली। तो उसके लिए फर्स्ट आपको क्या करना होगा, रिस्टराइज ऑल लेयर में क्लिक करना है। ठीक है, तो ये रिस्टराइज हो जाता है। उसके बाद किसी भी फोटो में क्लिक करके इसका लाइट घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आसानी से आप कर सकते हैं। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे सीपीआई कर सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छा नहीं लगा तो इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट भी हो जाएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोगों का काम होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको उल्टा करना है, तो फ्लिप करना है, मतलब मिरर प्रिंट में आपको प्रिंटिंग निकालना है। उसके बाद आपको कप के अंदर चिपकाना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे बटन दिया गया है एफ कैनवास, मतलब फ्लिप कैनवास। तो इसको क्लिक करेंगे तो ये पूरा कैनवास फ्लिप हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रिंट प्रीव्यू में क्लिक करना है एक बार। तो जब भी प्रिंट प्रीव्यू में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये एक A4 साइज पेज के अंदर आपका आ जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे सेट करके इसको एंटर कर दीजिए। ओके, तो मैं इसको बंद नहीं करूंगा, उसके बाद में आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए इसको मैंने क्लोज कर दिया, ये मेरा हो गया। मैं दूसरा एक PhD टेम्पलेट आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाला टेम्पलेट है या फिर ये वाला टेम्पलेट है। ठीक है, ये वाला टेम्पलेट मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने डाल दिया और यहाँ पे मैं आपको एक फोटो डालूंगा। यहाँ पे देखिए एक फोटो है, यहाँ पे देखिए दो फोटो। तो दोनों सिलेक्शन करने के बाद आपको सिंपली ऑटो फिल में क्लिक करना है और वैसे ही आपको कोई भी जो भी आपको फोटो जहां से भी आपको इच्छा आप डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला फोटो और ये वाला फोटो मैंने डाल दिया और इसको ओके का बटन को प्रेस कर दिया। सो गाइस देख सकते हैं फोटो हम लोगों का फिल हो चुका है और इसको Ctrl T दबा के इसको छोटा बड़ा भी आप कर सकते हैं। अब इसको छोटा बड़ा भी इसके अंदर से कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये हो गया और इसको आप मूव भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने मूव कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों का काम होता है। ये बहुत ही शानदार टेम्पलेट है, बहुत मेहनत करके मैंने बनाया है इसको। तो इसको जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।
किस तरह से डाउनलोड करना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो थोड़ा देखते रहिए। और इसमें पासवर्ड भी है, पासवर्ड देखिए आपका यहाँ पे शो हो रहा है, देखिए मैजिक सभी स्मॉल लेटर में है, मैजिक। ओके गाइस, तो इसको भी हम लोग फ्लिप करके, जैसे मान लीजिए इसको मैंने रेस्टराइज कर लिया है और इसको मैंने क्लिक करके इसको ऑटो कलर में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ऑटो कलर आप यहां से दे देंगे तो यहां पे ऑटो कलर आ जाता है, जैसे ऑटो कलर आ जाता है, और यहां से भी आप ऑटो कलर कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप ऑटो कलर कर सकते हैं। मैनुअली भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसको क्लिक करके आप मैनुअली आपका जो काम होता है वो भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैनुअली जो एडजस्टमेंट आता है वो भी आपका काम होगा। देखिए यहाँ पे मैंने मान लीजिए यहाँ पे लेवल को ठीक करना है, तो इसके अंदर से भी आप कर सकते हैं, ये देखिए। ओके, तो इस तरह से आपका काम होता है। तो इसको भी फ्लिप कैनवास कर लेते हैं और इसको भी हम लोग प्रिंट प्रीव्यू में दे देते हैं कि यहाँ पे क्लिक करना। क्लिक करने के साथ साथ ये ऑटोमेटिकली आपका प्रिंट प्रीव्यू जो पेज है A4 साइज इसमें आ जाएगा। तो बेसिकली आपका A4 साइज एक पेज में 3 mock का टेम्पलेट आप प्रिंट कर सकते हैं। तो 3 कीजिए तो आपका पेज भी सेव होगा। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है किस तरह से आपको इसको यूज करना है और किस तरह से इसको डाउनलोड करना है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो देखते रहिए। सो गाइस, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो एक लिंक मिलेगा डाउनलोड वाला, तो उसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से एक पेज आएगा। ये मेरा ब्लॉग है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये वाला टेम्पलेट। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वॉच फुल वीडियो एंड गेट पासवर्ड। अगर आपने कंप्लीट वीडियो अभी तक देखे नहीं है तो वीडियो कंप्लीटली देख लीजिए, उसके अंदर पासवर्ड मैंने बता दिया है। अगर आपने वीडियो देखे नहीं है तो क्लिक करके यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं, क्लिक टू वॉच वीडियो। ठीक है, और डाउनलोड का बटन यहाँ पे आपका शो हो रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो डाउनलोड वाला लिंक आपके सामने आ जाएगा। और उसके नीचे आपको दिखा देते हैं यहाँ पे डार्क मैजिक एक्सप्रेस का जो आपका पार्ट है, मैं यहाँ पे दे के रखा हूँ क्या क्या काम होता है इसके अंदर। तो ये सारा चीज इसके अंदर काम होता है और इसके अंदर लिखा भी गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका अपडेट भी आ चुका है और इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं है, बहुत ही लो प्राइस में मैं सेल कर रहा हूँ इसको। और यहाँ पे देखिए मोबो एक्सप्रेस का जो सॉफ्टवेयर है, मोबाइल बैक कवर डिजाइन का जो सॉफ्टवेयर आता है वो भी इसके अंदर आ चुका है, तो उसका भी आप यहाँ पे लिंक देख सकते हैं, अगर बाय करना है देख सकते हैं, या फिर आप इसका वीडियो मेरा चैनल में जाके आप उसको सर्च करेंगे मोबो एक्सप्रेस तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। जस्ट आपको यहाँ पे इस फोटो के नीचे क्लिक टू वॉच वीडियो जहाँ पे लिखा है उसके नीचे देखिए डाउनलोड वाला जो रेड कलर का बटन है, इसको आपको एक बार क्लिक करना। जब भी क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली आपका गूगल ड्राइव का लिंक है, जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है, और कोई भी झमेला नहीं है, बहुत ही इजी स्टेप है, एक क्लिक में आपका डाउनलोड हो जाता है। ओके गाइस, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिए, और कौन सा वाला टेम्पलेट आपको चाहिए कॉमेंट करना एकदम मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।